राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द व्यंजन में। तो आज मैं ऐसी स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं लौंगलता। तो ये मिठाई कहाँ की फेमस है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं लौंगलता। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लौंगलता। तो लौंगलता एक बहुत ही मतलब पारंपरिक मिठाई है और बनाना आसान है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज लौंगलता। तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर आधा किलो ये मैदा, मैंने इसे छान लिया है अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा लगा लेते हैं। अब इसमें हम मोयन लगाएंगे। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप घी भी यूज़ करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज मेरे पास घी उतना ज़्यादा है नहीं तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो करीब 8-10 चम्मच लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से डाल करके इसमें मोयन लगा लीजिए अच्छे से। तो देखिए हमने मोयन रगड़ के लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे। ये लड्डू बनने लगे तो मतलब कि अच्छा सा मोयन लग गया है। अब इसे हम बिल्कुल सॉफ्ट आटा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा टाइट आटा बनाएंगे। थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसे हम गूंथ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आटा गूंथ लिया है और अब इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को साइड में। तो दोस्तों देखिए हमने आटा तैयार कर लिया है और अब चलिए हम बनाते हैं लौंगलता के लिए स्टफिंग। तो ये खोया मैंने घर पे ही बनाया है और इसे पहले से भून के रख लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जब भी हम स्टफिंग तैयार करते हैं तो गर्म खोए में कभी भी चीनी नहीं मिलाते हैं क्योंकि वो फिर पिघलने लगता है। तो ये हमने खोया बना के रखा है, अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे अच्छे से भून दिया था हमने। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कटोरी के करीब ये हमने नारियल का लच्छा डाला है। आप ताज़ा नारियल भी घिस के डाल सकते हैं या फिर जो गोला आता है ना नारियल का उसे भी घस के आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 चम्मच के करीब ये किशमिश, 2-3 चम्मच के करीब ये कटे हुए बादाम। तो ये 2-3 चम्मच के करीब हमारे काजू हैं। बाद में मैंने ये करीब 7-8 इलायची पाउडर, इलायची को कूट लिया है। एक कटोरी के करीब मैंने चीनी पीस ली थी तो वो हम मिला देंगे इसी में। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, क्योंकि खोया है कहीं कहीं गुटके हैं तो गुटके भी अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसलिए हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों हमने चीनी को मिक्स कर लिया है और ये देखिए बढ़िया सा स्टफिंग तैयार हुई है, ना बहुत ज़्यादा ढीली और ना बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब कि ढीली भी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से है अच्छे से। चलिए अब स्टफिंग तैयार हो गई है, इसे साइड में रखते हैं और बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है गैस पर। तो उसमें लेंगे एक कटोरी चीनी और सेम उतना ही पानी हम डालेंगे। तो उतना ही पानी डालना है कि बस चीनी हमारी अच्छे से डूब जाए। और अब इसे हम चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो देखिए चाशनी में अच्छा सा उबाल आने लगा है और इसे अब हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इसे 4-5 मिनट पकने देते हैं। देखिए दोस्तों 4 मिनट हो गया है करीब पकते हुए और ये अभी गर्म बहुत है इसलिए पता नहीं चल रही है, लेकिन ये होने लगी है हल्की हल्की, इसका मतलब थोड़ी देर में ये हो जाएगी एक तार की। तो देखिए दोस्तों ये एक तार की अब अच्छे से बनने लगी है और अब हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों चाशनी बनके तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है और ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है इतनी देर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आटा हमें लेना है और इस तरह से लोई एक बनानी है हमें, तो बड़ी सी लोई हम बेलेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसे बड़ा सा एक बेल लिया है रोटी की तरह, ये देखिए। तो इसका मोटाई देख लीजिए आप, ना बहुत मोटा बेलना है और ना ही बहुत पतला बेलना है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो साइड से थोड़े से बेलन से बढ़ा दें। अब हम क्या करेंगे, जिस भी साइज का हम बनाना चाहते हैं उस साइज के हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने ये लोइयां कट कर ली हैं। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं लौंगलता। अब इसमें थोड़ा सा जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम बीच में रखेंगे ऐसे।
तो जिस हिसाब की आपकी लोई है उसी हिसाब से अंदर भरिएगा इसमें। इसको हम साइड से ऐसे कर देते हैं, हल्का सा पानी लगाएंगे, खींच के इसको ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और वापस इसे हम सेट कर देंगे ऐसे। और एक लौंग लगा देंगे, बस ये इस तरह से बन जाएंगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इतनी लौंग लता बना के तैयार कर ली है। और साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिए, तो मैंने बहुत बड़ा साइज नहीं रखा है ताकि बच्चों को देने में, किसी को देने में दिक्कत ना हो। एक पीस जब दिया जाए तो आराम से खा ले। और ये मिठाई कहीं कहीं मिलती है तो बहुत बड़े साइज में मिलती है, जैसे बनारस साइड ये मिठाई बहुत फेमस है, तो ये बड़े साइज में मिलती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा छोटा साइज बनाया है, तो आप साइज अपने हिसाब से बना लें। तो इसी तरह हम सारी मिठाई अपनी बना के तैयार कर लेते। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी सारी लौंग लता बना के तैयार कर ली हैं। कुछ छोटे साइज की हैं, कुछ दो चार मैंने ये जो थोड़ा सा बड़े साइज की बनाई हैं, और आप साइज का अपने हिसाब से रख लीजिए। तो ये देखिए मेरी सारी लौंग लता बन के तैयार हैं। अब चलिए इनको हम तल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है और हम इसे अब धीमा कर देंगे थोड़ा सा, और अपनी ये हम लौंग लता इसमें एक एक करके मीडियम फ्लेम पर तलेंगे हम। तो देखिए अब धीरे धीरे है ये हमारी लौंग लता पलटने लगी हैं, तो इन्हें हम उलट पलट के सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो लौंग लता है वो गोल्डन हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपनी लौंग लता को सेक लिया है, बाकी भी हम ऐसे ही सेक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी थी तो हमने हल्का सा गुनगुना करते, बिल्कुल हल्का सा किया है। और अब हम क्या करेंगे, अपनी लौंग लता इसमें डाल देंगे। बस ज़्यादा देर नहीं डालना है, 2 मिनट के लिए डालना है, और जित बस फटाफट से डालिए और 2 मिनट में इसे निकाल लीजिए। देखिए 2 मिनट हो गया है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। चाशनी में डिप करके हमने इन्हें निकाल लिया है, बाकी सभी तल के हम ऐसे ही चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, तैयार है हमारी लौंग लता बनके, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आसान है इन्हें बनाना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप चाशनी में डालें तो आप गरम गरम ये लौंग लता तल के आप उसे चाशनी में डाल दें। बस चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, एकदम थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, और ये जो हमारे लौंग लता है वो गर्म ही होने चाहिए ताकि चाशनी अंदर तक रस चला जाए इनके, क्योंकि अगर हम ठंडा हो जाएगी तब हम डालेंगे तो रस अंदर तक नहीं जाएगा इनके, और इस तरह से रस अंदर चला जाएगा, बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेंगी देखिए, और अंदर से एकदम रसीली रहेंगी ये। तो देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही रसीली है, बाहर से आपको क्रिस्पी लगेगी पर अंदर से बहुत ही रसीली है, देखिए। ये देखिए, तो दोस्तों देखा आपने कितनी रसीली बनी है अंदर से एकदम, ये देखिए मैं जूम करके भी दिखा सकती हूँ आपको, ये देखिए अंदर से एकदम रसीली और बाहर से एकदम क्रिस्पी। आप भी बनाइए इस तरह से घर पर लौंग लता, और बाहर मार्केट में खरीदेंगे तो बहुत महंगी ये मिठाई मिलती है, बट आप घर में इस तरह से बना सकते हैं। और थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे ऊपर से पिस्ता सजा दिया है, तो पिस्ता सजा करके हल्का सा मेहमानों को आप सर्व करिए। बहुत आसान है इसे बनाना, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इंजॉय कीजिए ये हमारी लौंग लता, और हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, बाय बाय।